रोले का प्रमेय या रोलेस थ्योरम, यदि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फलन है कि एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है तथा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, तब ओपन इंटरवल ए बी में एक्स का कम से कम एक मान सी इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, अर्थात फलन का प्रथम अवकलज जो होगा एक्स के स्थान पर उसमें सी रख देंगे और उसे हम जीरो से इक्वेट करेंगे। ये है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। रोले के प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या। तो जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं कि वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ए बी अंतराल, बंद अंतराल ए बी या क्लोज इंटरवल ए बी में दिखाया गया है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यह भी आप देख सकते हैं। चूंकि क्लोज इंटरवल ए बी में फलन संतत है, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच ग्राफ संतत होगा। अर्थात ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी आपको ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा है। ओपन इंटरवल ए बी में फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है, अतः कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार आप तीन अलग अलग चित्र देख पा रहे हैं जिसमें कि ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इन दो बिंदुओं पर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है और उसके मध्य में कहीं पर सी एक ऐसा बिंदु है जहां पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। उसी प्रकार तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि पी वन और पी टू दो अलग अलग बिंदु है जहां पर हमने स्पर्श रेखा खींचा है। पुनः चूंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी अर्थात कैपिटल ए एम और कैपिटल बी एन वक्र पर कम से कम एक बिंदु पी ऐसा अवश्य होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। इस स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx इक्वल टू जीरो अर्थात एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगी। इस प्रकार बिंदु पी की भुज सी हो तो हम लिखेंगे ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी तथा एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। आइए हम देखते हैं कि रोले के प्रमेय का उपयोग करके किस प्रकार हम प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलनों एवं अंतरालों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। जहां पर फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 और अंतराल दिया गया है, क्लोज इंटरवल है -3 to 6। तो पहली बात यह कि रोले का प्रमेय क्या है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। रोले का प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार है कि यदि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फलन है जिसमें तीन अलग अलग स्थितियां हैं, पहला यह कि एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, दूसरी स्थिति यह कि एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है तथा तीसरी स्थिति है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तीसरी स्थिति यह कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तब ओपन इंटरवल ए बी में एक्स का कम से कम एक ऐसा मान सी इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो। तो यहां पर हमारा जो फलन दिया गया है, फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 और इंटरवल या अंतराल दिया गया है, ये क्लोज्ड इंटरवल है -3 to 6। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 है, यह एक बहुपदीय फलन है। एफ ऑफ एक्स एक बहुपदी फलन है जो कि इस अंतराल में सतत होगा। तो इसे हम यही लिखेंगे, इसमें जो पहली स्थिति है यह रोले के प्रमेय के लिए उसे यह पूर्ण कर रहा है कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बहुपदी फलन है। अतः यह अंतराल -3 to 6 में सतत होगा।
सतत है या सतत होगा ये भी लिख सकते हैं। इसकी दूसरी स्थिति ये कि एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, एफ डैश एक्स अर्थात इस पद का अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा 2x-3। 2x-3 जो कि x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है, जो कि x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है, अतः अंतराल ओपन इंटरवल है -3 to 6 में अवकलनीय है। अब इसकी तीसरी स्थिति है कि इन दोनों इंटरवल के जो पॉइंट्स है -3 और 6 इन दोनों में फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो एफ ऑफ -3 एक्स के स्थान पर -3 रखेंगे तो मिल जाएगा -3 का स्क्वायर -3 into -3 -18 तो -3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा और -3 + 3 + 9 और ये -18 तो अल्टीमेटली इसके लिए आपको 0 मिल रहा है। और दूसरा एफ ऑफ 6 एक्स के स्थान पर हम 6 रख के देखते हैं तो ये 6² - 3 into 6 - 18 तो देखिए 6 का वर्ग 36 और 6 * 3 = 18 और ये 18 ये 18 18 36 और ये 36 तो कुल मिलाकर के हमें यह मिल रहा है कि एफ ऑफ -3 = f(6) मिल रहा है। इसलिए जो विविध अंतराल है -3 to 6 में सी इस प्रकार होगा या सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 मिलेगा। तो एफ डैश पहले तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं और एक्स के स्थान पर हमें सी रखना है अर्थात ये वाला मान एक्स के स्थान पर सी तो हमें क्या मिल जाएगा 2c-3 = 0 सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2c = 3 और अल्टीमेटली c = मिल जाएगा 3/2 सॉल्व करेंगे तो 1.5 मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं कि 1.5 ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है ये ओपन इंटरवल -3 से 6 के बीच में लाई करता है। यह स्पष्ट रूप से -3 to 6 ओपन इंटरवल के अंतर्गत है। इस प्रकार -3 then 3/2 then 6 तो इस प्रकार रोले का जो प्रमेय है सत्यापित होता है। पुनः प्रश्न कुछ इसी प्रकार है कि जो फलन दिया गया है और एक अंतराल दिया गया है इसमें हमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है, जहां पर फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √1 - x² और इसके लिए जो अंतराल दिया गया है यह है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो इसमें जो पहले स्थिति है कि x के स्थान पर कोई भी मान रख दीजिए जो कि -1 से +1 के बीच में लाई करता है या इसके बीच में उपस्थित है, क्योंकि यहां पर वर्ग है तो ये फलन जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √1 - x², इसमें एक्स का मान इस इंटरवल में अगर कोई भी हम मान ले लेते हैं तो इसके लिए हम एक निश्चित मान मिलता है। तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे कि जो फलन है फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √1 - x² अंतराल -1 to 1 में x के प्रत्येक मान के लिए एक निश्चित मान रखता है अतः f ऑफ x जो है
यह क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू वन में सतत है। इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो इस इंटरवल में वेल डिफाइंड होना चाहिए या उसका एक निश्चित मान मिलना चाहिए। तो पहले हम इस फलन का अवकलन कर लेते हैं एफ डैश एक्स। तो वन बाई एक्स का अवकलन मिलता है वन बाई टू रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स, एक्स के स्थान पर ये पूरा मान है और इसके साथ हमको गुणा करना होगा अवकलन करके वन माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपको मिल जाएगा माइनस टू एक्स, टू और टू कैंसल, ये मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो मान है एक्स का मान माइनस वन टू वन, कोई भी मान इसमें रख करके देख लीजिए, यहां पर आपको फिर से एक निश्चित मान मिलेगा या एक्स के सभी मानों के लिए इस फलन का अस्तित्व है जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स अंतराल माइनस वन टू वन में एक्स के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है या अस्तित्व है, अतः फलन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन में अवकलनीय है। ये दूसरा पॉइंट भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये कि फलन का मान इस बिंदु पर और फलन का मान इस बिंदु पर पहले हमें ज्ञात करना है। तो एफ ऑफ माइनस वन पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस माइनस वन का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वन दैट इज जीरो, और एफ ऑफ वन पुट करके देखते हैं तो स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वन का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली अगेन आपको मिल रहा है जीरो। तो यहां पर स्थिति कुछ इस प्रकार है कि एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार तो यह कि इस प्रकार एफ ऑफ एक्स रोले के प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, अतः एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो मिलेगा, अर्थात हमने जो एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया था इस एक्स के स्थान पर आप सी रख दीजिए, इट मींस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिल जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा सी इक्वल टू जीरो। तो c इक्वल टू जो जीरो है ये माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करता है। तो हम ये लिखेंगे कि स्पष्ट है कि c इक्वल टू जीरो का मान क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन के अंतर्गत है। तो इस प्रकार रोले का प्रमेय इस फलन और इस अंतराल के लिए सत्यापित होता है। अगला फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और हमें अंतराल दिया गया है क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। इस अंतराल में इस फलन के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो फलन दिया गया f of x equal to sin square x और अंतराल 0 to pi, इसमें हमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो उसके जो तीन स्थितियां हैं पहले हम एक एक करके उनको चेक करेंगे। तो चूंकि आपको यह पता है कि साइन फंक्शन जो है यह सतत होता है, तो चूंकि साइन x फलन सतत होते हैं अतः साइन स्क्वायर एक्स अंतराल
जीरो टू पाई में सतत होगा या सतत है, सीधा आप ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा ये कि फलन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे अर्थात एफ डैस एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो साइन एक्स का स्क्वायर है तो मिल जाएगा पहले तो टू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन टू एक्स। अब पुनः साइन टू एक्स जो कि जीरो टू पाई, जीरो टू पाई में स्थित सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है, अतः यह फलन अंतराल में अवकलनीय है। अब तीसरी स्थिति है कि f ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है, तो साइन स्क्वायर ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, और साइन ऑफ यहां पर f ऑफ पाई तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई, ये भी आपको जीरो मिलेगा। तो यहां पर स्थिति यह है कि f ऑफ जीरो इक्वल टू f ऑफ पाई इक्वल टू जीरो, तो जो कि फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर x अंतराल जीरो टू पाई में रोले के प्रमेय के या रोले प्रमेय के सभी शर्तों का पालन करता है। अतः c का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल टू जीरो। तो f डैश x हमने कैलकुलेट किया साइन टू एक्स, x के स्थान पर आप जीरो, x के स्थान पर हम c रख देंगे तो मिल जाएगा साइन ऑफ टू c इक्वल टू जीरो, और ये साइन पाई के लिए हमें मान जो है वो शून्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यदि हम तुलना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2c इक्वल टू पाई, दैट इंप्लाइज c इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये जो c इक्वल टू पाई बाई टू है यह क्लोज इंटरवल 0 टू पाई के बीच में स्थित है, तो इस प्रकार इस फलन के लिए रूले का जो प्रमेय है यह सत्यापित होता है। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यदि f ऑफ x एक ऐसा फलन है कि f ऑफ x क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, f ऑफ x ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, तथा f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, तब ओपन इंटरवल ए बी में f ऑफ x का कम से कम एक मान c इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश c। अब हम देखते हैं कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या है। तो जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ कैपिटल a कैपिटल b प्रदर्शित किया गया है, अर्थात वक्र जो है ये कैपिटल a कैपिटल b इस प्रकार प्रदर्शित है। माना कि कैपिटल a और कैपिटल b के निर्देशांक a f a तथा b f b है, ये क्रमिक युग्म है बिंदु के निर्देशांक के रूप में आप चित्र में देख पा रहे हैं। तब जीवा कैपिटल ए बी की प्रवणता हम लिखते हैं जिस प्रकार आप जानते हैं कि दो बिंदु यदि पी एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू हो तो इसकी प्रवणता होती है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, अर्थात कोटियों का अंतर बटे भुज का अंतर। तो यहां पर कोटी है एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, इसी प्रकार भुज है बी और ए, तो हम लिखेंगे जीवा ए बी की प्रवणता बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। यदि फलन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तो ग्राफ कैपिटल ए और कैपिटल बी के मध्य संतत होगा। पुनः यदि अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है तो कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच
प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। माना कि कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक है C F of C क्रमिक युग्म के रूप में है और C ऐसा है कि F of B minus F of A whole upon B minus A equal to F dash C, तब बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता F dash C होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवा AB और बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है, अतः बिंदु A और B के मध्य, अतः बिंदु कैपिटल A और कैपिटल B के मध्य P एक बिंदु ऐसा है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा AB के समांतर है। लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को ही प्रथम मध्यमान प्रमेय या मध्यमान प्रमेय या मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का उपयोग करके बहुत सारे प्रायोगिक प्रश्नों को किस प्रकार सरल किया जा सकता है। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन व अंतराल के लिए लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए, जिसमें इसमें फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू, और इसके लिए जो अंतराल है यह दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू टू। तो इसके लिए पहले आपको लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय ज्ञात होना चाहिए। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय कहता है कि यदि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फलन है कि पहली स्थिति एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, दूसरी स्थिति एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, और तीसरी स्थिति कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तब ओपन इंटरवल ए बी में एफ ऑफ एक्स कम से कम एक ऐसा मान सी इस प्रकार अस्तित्व में रखता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो इसमें जो तीनों स्थितियां हैं, पहले हम अलग अलग स्थितियों को चेक करेंगे। तो पहला ये कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू, यह एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। अतः अंतराल माइनस वन टू टू में संतत है। दूसरा, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू ये मिल जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, फिर से टू एक्स माइनस थ्री यह भी एक बहुपदीय फलन है, अतः यह अंतराल माइनस वन टू टू ये ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। अब तीसरी स्थिति ये कि एफ ऑफ माइनस वन पहले ज्ञात करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू, अर्थात इस एक्स के स्थान पर हम माइनस वन पुट करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस और माइनस प्लस थ्री माइनस टू, सो फोर माइनस टू दैट इज इक्वल टू टू, और एफ ऑफ टू ये टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू माइनस टू, ये मिल जाएगा फोर माइनस सिक्स माइनस टू, तो ये मिल रहा है आपको फोर माइनस एट दैट इज इक्वल टू माइनस फोर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू। तो इस प्रकार मध्यमान प्रमेय से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए ये एफ डैश सी के इक्वल होगा। तो यहां से एफ ऑफ बी दैट मीन्स एफ ऑफ टू ये माइनस फोर, देन एफ ऑफ ए दैट इज माइनस टू अपॉन बी माइनस ए, तो ये टू माइनस और माइनस प्लस वन, तो ये माइनस सिक्स अपॉन थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस टू। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो हमें मिला था टू एक्स माइनस थ्री, तो यहां से आप एफ डैश ऑफ सी अगर पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा टू सी माइनस थ्री, तो ये एफ डैश सी जो है माइनस टू के इक्वल होगा, और यहां से फंक्शन से हमने एफ डैश सी कैलकुलेट किया तो मिल गया टू सी माइनस थ्री, दैट इंप्लाइज टू सी माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस थ्री राइट साइड में जाकर के प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा
और 2c इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो यहां से आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 1 बाई 2 दैट इज 0.5, और ये जो 0.5 है ये क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 टू 2 इस अंतराल में शामिल है। तो इस प्रकार लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, सत्यापित होता है। पुनः अगला प्रश्न दिया गया है कि जो फलन है f of x, ये है cos x, और इसके लिए जो अंतराल दिया गया है ये है क्लोज्ड इंटरवल पाई बाई 3 टू 5 पाई बाई 3। इस अंतराल में हमें लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो f of x जो कि है cos x, x के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है, इसलिए f of x अंतराल बंद अंतराल है पाई बाई 3 टू 5 पाई बाई 3 में सतत है। दूसरी ये कि इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, अर्थात f डैश x कैलकुलेट करते हैं, cos x का अगर आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन x, और माइनस साइन x भी x के प्रत्येक मान के लिए अस्तित्व रखता है। तो आप लिखेंगे कि जिसका x के प्रत्येक मान के लिए अस्तित्व है, अतः f of x इक्वल टू cos x अंतराल पाई बाय 3 टू 5 पाई बाय 3 क्लोज इंटरवल में अवकलनीय है। अब इसमें तीसरी स्थिति कि f of पाई बाय 3 कैलकुलेट करते हैं, अर्थात cos पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 और f of 5 पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू cos 5 पाई बाय 3 सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर भी आपको 1 बाय 2 मिल जाएगा। तो यहां पर f of पाई बाय 3 इज इक्वल टू f of 5 पाई बाय 3, ये दोनों बराबर है, और हम रोले के प्रमेय की शर्तों को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति होती है, तो यहां पर देखिए पहली बात f of x जो है ये सतत होना चाहिए, वो तो है, f डैश x का अस्तित्व होना चाहिए अर्थात फलन अवकलनीय होना चाहिए उस अंतराल में, ये भी है, और f of a इक्वल टू f of b यहां पर मिल रहा है जो कि रोले का प्रमेय का कथन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोले का प्रमेय लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय की विशेष अवस्था है, तो लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से f डैश c इक्वल टू f of b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, f ऑफ b दैट इज 1 बाई 2, f ऑफ a 1 बाई 2, देन 5 पाई बाई 3 b और a का मान है पाई बाई 3, न्यूमरेटर में 0 है तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 0, और फलन को हमने डिफरेंशिएट किया था कि f ऑफ f डैश x इक्वल टू है माइनस साइन x, तो यहां से x के स्थान पर आप c रख देंगे तो f डैश c इक्वल टू माइनस साइन c, यहां पर भी f डैश c का मान 0 है और यहां पर भी f डैश c का मान हमें कुछ प्राप्त हो रहा है,
तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा माइनस साइन सी इक्वल टू जीरो। तो माइनस साइन सी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये कि साइन सी का मान जीरो प्राप्त हो रहा है। एक स्थिति यह है कि साइन जीरो जीरो होता है, दूसरी स्थिति साइन पाई ये भी जीरो होता है, लेकिन हमको जो मान प्राप्त करना है वो पाई बाई थ्री, टू फाइव पाई बाई थ्री। देखिए पाई बाई थ्री ये 180 डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, और 5 पाई बाई थ्री तो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300 डिग्री। तो C का एक ऐसा मान चाहिए जो कि 60 डिग्री और 300 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये जो मान है यह पाई अर्थात 180 डिग्री के लिए प्रूफ हो रहा है। तो इसका मतलब यह कि साइन सी इक्वल टू जीरो इक्वल टू साइन पाई, दैट इंप्लाइज सी इक्वल टू पाई विच बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल पाई बाय थ्री टू फाइव पाई बाय थ्री। तो इस प्रकार लैग्रांज का प्रमेय सत्यापित होता है। अगला प्रश्न है कि फलन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 0 0 और 1 1 को मिलाने वाली जीवा के समांतर हो। तो पहली बात यह कि जो फलन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके लिए अगर हम इंटरवल लें तो 0 to 1 इसके लिए क्लोज इंटरवल मिलेगा, और इसके लिए हम लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का उपयोग करेंगे। फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए जो क्लोज इंटरवल 0 to 1 है में हम लैग्रांज प्रमेय का या लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पहली बात ये कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर यह एक बहुपदीय फलन है, अतः f ऑफ x क्लोज इंटरवल 0 to 1 में सतत है। दूसरा यह कि f डैश x इक्वल टू 2x यह भी एक बहुपदीय फलन है जो कि x के प्रत्येक मानों के लिए अस्तित्व रखता है। अतः f ऑफ x क्लोज इंटरवल 0 to 1 में अवकलनीय है, और तीसरी स्थिति ये कि f ऑफ 0 तो ये 0 का स्क्वायर अल्टीमेटली 0 मिल जाएगा, और f ऑफ 1 ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हेलो गुड वन है, हाँ बोल क्या हुआ। डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है, अब मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। अच्छा सेंसर ही चला गया। सुन मैं 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ तुझे, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। तो इस स्थिति में मध्यमान प्रमेय से
एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. तो एफ ऑफ बी दैट इज वन, एफ ऑफ ए दैट इज जीरो, और अगेन वन माइनस जीरो. तो अल्टीमेटली हमें वन मिल रहा है. और एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें मिला था टू एक्स, तो यहां से यदि हम सी का मान एक्स के स्थान पर सी रख दे तो हमें मिल जाएगा टू सी. मान लेते हैं कि समीकरण एक है, समीकरण दो है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो मिल जाएगा टू सी इक्वल टू वन, दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू वन बाई टू विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो वन. ऐसी क्लोज इंटरवल में तो ऑब्वियस सी बात है ओपन इंटरवल में भी होगा. तो ये जो सी है वन बाई टू, ये ओपन इंटरवल जीरो टू वन में बिलोंग करता है. तो इसलिए एफ ऑफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो वन बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा वन बाई फोर. तो हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना था जिस पर स्पर्श रेखा जीरो जीरो और एक एक को मिलाने वाली जीवा के समांतर हो. तो वक्र का जो बिंदु है, वक्र के बिंदु वन बाई टू वन बाई फोर पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा जीरो जीरो और एक एक को मिलाने वाली जीवा के समांतर है, और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था.